माफियों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। नारायण रिसालत या रसूलल्लाह। नारायण बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। आईएसएस हाय हाय। आईएसएस हाय हाय। आईएसएस हाय हाय। अफगानिस्तान गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाय हाय। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। आईएसएस हाय हाय। हाय 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 हाय। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। आईएसएस हाय हाय। हाय 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 हाय। अफगानिस्तान गवर्नमेंट हाय हाय। हाय हाय हाय। अफगानिस्तान गवर्नमेंट हाय हाय। हाय हाय हाय। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। कत्लेआम बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। हाय 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 हाय। आईएसएस हाय हाय। हाय 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 हाय। आईएसएस हाय हाय। अफगानिस्तान गवर्नमेंट बाज आओ बाज आओ बाज आओ बाज आओ। अफगानिस्तान गवर्नमेंट कत्लेआम बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो बंद करो। बंद करो बंद करो। इंसानियत का कत्लेआम बंद करो बंद करो। हाय हाय। आईएसएस हाय हाय। दाइश हाय हाय। दाइश हाय हाय। मंजाफरियापुर जोशिया यूथ की जानब से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया गया, और इस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद था, जो पूरी दुनिया में जो है अकलियत में जो रहने वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जिनके ऊपर जो है निहत्ते लोगों को हमला किया जा रहा है, तो इसमें जॉइंटली तौर पर जो कश्मीर में जो टीचर्स के ऊपर दो टीचर्स की और उससे एक रोज़ कबल जो है तीन निहत्ते लोगों की जान गई है, हमने उसके लिए भी आज उसको कंडेम किया है। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के कुंज एरिया में जो कल वहां खुदकश हमलावरों ने नमाज के दौरान वहां पर ब्लास्ट करके तकरीबन 100 लोगों की जान ली है, और लगभग उसमें 100 से 150 लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं। हम मीडिया की वसादत से इस पूरे सानहा को कंडेम करते हैं, और जिस भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें दाइश या आईएसएस है, हम उनको कड़े लफ्ज़ों में उनके इस एक्ट की मजम्मत करते हैं। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि शिया कम्युनिटी या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अमन पसंद है, शांति पसंद है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में हर मज़हब या मसलक के लोग शांति से रहें, लेकिन जो ये शांति भंग करने की कोशिश करते हैं और जिसमें ये कामयाब होते हैं, इन लोगों के ऊपर जो है वो नकेल कसी जाए।